अरसे से कश्मीरी पंडितों को मिलकर के जो वहाँ के लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए और कम से कम 25 ऐसे लोग हों जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित हों, उनकी कमेटी बने और सेटलमेंट और उनके लिए कैसे खर्च किया जा सके उस पैसे का खर्च होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा लोगों को चंदा भी देना चाहिए इसके लिए। तो फिल्म को आप सही मानते हैं कि ये फिल्म मैं आज से उस बहस में नहीं बना, जो पैसा इकट्ठा हो गया है उससे कश्मीरी पंडित लोगों को कश्मीरी लोगों को सेटल करने के लिए खर्च होना चाहिए और सरकार को भी आगे आना चाहिए। अगर टैक्स के माध्यम से 100 200 300 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है तो सरकार भी अपना पैसा लगाए कुछ और, कम से कम प्रधानमंत्री फंड में ना चला जाए वो पैसा जिसका पता ही नहीं लगे कि फंड कहाँ चला गया। अच्छा, इसलिए वो फंड जो कश्मीरी लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित लोग हैं, उनकी एक कमेटी बन जाए जो अलग अलग जगह रह रहे हैं और वो खर्च करें अपने ऊपर कि वो कैसे सेटल होकर के खर्च करना चाहते हैं। कम से कम सरकार को ही कदम उठाना चाहिए। सर, अगर आपसे कोई कहे अंशदान के लिए, विस्थापन के लिए, तो आप करेंगे या देखेंगे? क्यों नहीं, स्वाभाविक है, अगर कोई मांगता है तो बिल्कुल हम देंगे, उसमें क्या है। और मैं तो एक अच्छा सुझाव दे रहा हूँ, सरकार को ये मानना चाहिए इतना पैसा इकट्ठा हुआ है तो वो कम से कम उनके लिए खर्च तो। अच्छा, अगले भैया एक और सवाल।